प्रभु श्री राम जी से जुड़े कार्यों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव के साथ तेज गति से आगे बढ़ाते हैं और इसी का परिणाम है कि आज हम भव्य और दिव्य अयोध्या का दर्शन कर पा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण अयोध्या में आज विरासत और विकास का अनूठा संगम दिखाई दे रहा है। हम सभी का सौभाग्य है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप पुनर्विकसित अयोध्या धाम स्टेशन का उद्घाटन उनके कर कमलों द्वारा किया गया। अयोध्या धाम स्टेशन के डिजाइन में अयोध्या की संस्कृति की झलक है और एक आधुनिकता भी है। और आज साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेनों की श्रृंखला में 6 नई वंदे भारत ट्रेन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ की है। आज दिल्ली से अयोध्या की पवित्र नगरी वंदे भारत से जुड़ गई है। साथ ही साथ आज आधुनिक तकनीक की बनी पुश पुल टेक्नोलॉजी पर आधारित 2 अमृत भारत ट्रेन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ की है। और माता सीता की नगरी से प्रभु श्री राम की नगरी अमृत भारत ट्रेन से आज जुड़ गई है। आज रेल के बुनियादी ढांचे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी 2300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का अनावरण करेंगे। सज्जनों, साथियों, मैं केवल एक विषय रखूंगा। 2009 से 2014 तक उत्तर प्रदेश के लिए रेलवे का बजट मात्र 1109 करोड़ होता था। इतना बड़ा प्रदेश, इतना महत्वपूर्ण प्रदेश, और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश को रेलवे के लिए देते हैं 17000 करोड़ रुपए। और उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश में एक एक रेलवे प्रोजेक्ट में इतनी गति आई है। प्रधानमंत्री जी स्वयं बारीकी से एक एक प्रोजेक्ट को फॉलोअप करते हैं। आज उत्तर प्रदेश 100% इलेक्ट्रिफाई हो गया है रेलवे में, और इसके कारण नई नई सर्विसेज आरंभ हो पा रही है। विकास के इस नए दौर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर अयोध्या जी की इस पवित्र भूमि को नमन करता हूँ। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।